टिहरी के जाखणीधार निवासी एक विवाहिता के साथ जीवनगढ़ देहरादून में उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित महिला पति को उसके सास और ननद ने गरम लोहे के तवे से बुरी तरह से पूरे शरीर को जला दिया, जिसके बाद पीड़िता के मायके पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ नई टिहरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां सरस्वती अपनी बेटी के ससुराल जीवनगढ़ पहुंची, उनको बेटी से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद वह जबरन घर में घुसी तो उनकी बेटी पूरी तरह से घायल हालत में मिली, जिसके बाद पीड़िता के सास और ननद ने पीड़िता की मां के साथ भी अभद्रता करते हुए धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता की माँ बेटी को लेकर अपने घर रिंडोल गांव जाखणीधार टिहरी गढ़वाल पहुंचे। ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लन ने बताया आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्दी दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। पर्ची धोन को ज्यादा करे तो मेरा जाना जानू है तक अगर मैं पर्ची जानू ना तक मैं क्या मारी फोन है अपनी मोनी तो मैं अचानक जान हुए तो मारी है लगा लो कहा थे तो मैं बिस्तर जाइए तो मैंने क्या हालत की तो मैं बोली नहीं की गई कर दू मेरी लड़की ही दगड़ी तो तुम मार बेटी ने क्या मैं धमकी बहुत ज्यादा दी नहीं तो मैं चुप रही हम डरा बोल मैं क्या बोल रही था मैं चुप रही की तुम बोली की तेरी नानी ठीक है तेरी नानी ठीक है मैंने तेरा खून दिखेने लगे थे भाई का खून थे वहां लगे तब मैं जब जाई। अभी बताया जा रहा है कि जैसे पुलिस अभी आए हैं तो बता रहे हैं 15 दिन से इनको तवे से जलाया जा रहा है और गहरे बर्न मार्क्स हैं, तो अभी इनका मेडिकल हो रहा है, इसमें एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकता है इसमें एक्यूज को अरेस्ट करके।